दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं मीशो के नाम पर चल रहे दो स्कैम को जो कि बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी उसका नेक्स्ट शिकार बने। अगर आप भी जो है मीशो से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं पास्ट में कभी भी किए हो तो भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो दो स्कैम है ना इसके झांसे में कहीं आप आ गए ना तो भाई आप अपने पैसे भी गंवा सकते हो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी गंवा सकते हो और बहुत कुछ नुकसान हो सकता है आपका। ऐसे में इस वीडियो को बस आपको जो है 5-7 मिनट देख लेना है और बस आपको क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरीके के स्कैम चल रहे हैं और आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी बता देना ताकि वो लोग जो हैं और भी ज़्यादा लोगों को बताएं और इस तरीके से बातें शेयर हो और किसी और के साथ ऐसा स्कैम नहीं हो। और उन फ्रेंड्स को ज़रूर से बताइएगा जो कि जो है मीशो पर शॉपिंग करते हैं, काफ़ी टाइम से शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे वो रीसेलर हैं चाहे वो शॉपिंग करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं मीशो के थ्रू उनको तो आप जो है ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, चाहे इस वीडियो को चाहे आप खुद से बता दीजिएगा। बेसिकली दोस्तों दो तरीके का स्कैम होता है। आपने अगर मीशो से कभी भी कोई प्रोडक्ट मंगाया हुआ है तो उनके पास आपकी डिलीवरी एड्रेस वगैरह, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ चीज़ें, सब डिटेल्स जो हैं होती हैं। अब यहाँ पर मैं इस बात को ये नहीं कह रहा हूँ कि मीशो कंपनी ऐसा कर रही है। देखो मीशो जो है एक कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट्स को आपके पास भेजती है लेकिन बीच में जो है बहुत सारे जो है लोगों के थ्रू बोल सकते हैं आप लोग वो प्रोडक्ट आप तक पहुँचता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने जो है मीशो पर कोई प्रोडक्ट को जो है बुक किया तो वो जो है कुरियर वाले के पास भेजेगा अपने प्रोडक्ट को कुरियर करने के लिए, दैन वो कुरियर वाला जो है हब में भेजेगा जहाँ पे आपका सिटी का जो भी हब होगा कुरियर का वहाँ, ताकि सभी पार्सल्स को एक साथ जो है उस लोकेशन में भेजा जाए, जो जो पार्सल जो है उस लोकेशन का हो वहाँ पर भेजा जाए। और जब उस सिटी में वो पहुँचेगा तो वहाँ के हब में पहुँचेगा, उसके बाद वहाँ से जो है आपके एरिया में जो होगा कुरियर वाला वहाँ पहुँचेगा आपका प्रोडक्ट, और उसके बाद जो है लोकल जो भी आपके एरिया का बंदा होगा जो कि आपकी कुरियर को आपके एरिया में जो है कुरियर को डिलीवर करता होगा उसके थ्रू आपके घर तक पहुँचेगा। इट मीन्स कि बहुत सारे लोगों से गुजर करके जो है आप तक आपका प्रोडक्ट पहुंचता है और ऐसा ही सबका प्रोडक्ट पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि मीशो वहां से पैक किया और सीधे आपके घर पर लैंड हुआ, ऐसा नहीं है। तो मैं आप लोगों को जो है यही कहना चाहता हूं कि स्टार्टिंग से लेकर के और एंड तक अगर देखा जाए तो बहुत लोग से गुजर रहा है और ऐसे में जो है हर एक जगह से वो डेटा भी गुजर रहा है। अब डेटा मीन्स कितना ईजी है आप जो है इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर मैं फ्रंट पे ही जो है आपका नाम लिखा हुआ होता है, आपका एड्रेस लिखा हुआ होता है, आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ होता है। कितना ज़्यादा ईजी है, उसको कोई भी नोट डाउन कर सकता है, सिंपल एक फ़ोटो खींच सकता है। अब कोई भी जो है उसका डेटा मान लो रख लिया, अब इस तरीके की बहुत सारे डेटा को इकट्ठा कर लिया और डेटा जो है भाई आज की डेट में अगर बोला जाए तो मतलब उसका वैल्यू है भाई, बहुत तगड़ा वैल्यू है। और आज तो बहुत कम है फिर भी बाद में जो है फ्यूचर में उसका वैल्यू इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है ना कि एक सोना की तरह समझ लीजिएगा उसको, गोल्ड की बात कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर जो है डेटा बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बिकता है और फ्यूचर में जो है और भी ज़्यादा कॉस्टली बिकेगा। यहाँ तक तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि आपका डेटा जो है सेल कैसे होता है, आपका डेटा जो है शेयर कैसे होता है, ठीक है। आपका डेटा जो है लोगों के बीच जो स्कैमर्स हैं उन लोगों के पास पहुंच गया मान लीजिए, अब वो लोग जो हैं क्या करेंगे ना कि आपके घर पर जो है स्क्रैच कार्ड भेज देंगे। पहला स्कैम इन लोग का है स्क्रैच कार्ड, जिसको अगर आप स्क्रैच करोगे तो वहाँ पर जो है एक अमाउंट लिखा हुआ होगा। बेसिकली अमाउंट जो होता है वो 6 लाख का हो सकता है, 10 लाख का हो सकता है, 12 लाख का हो सकता है, इस तरीके का अमाउंट होगा जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि, और 1-1.5 लाख का भी आता है, ठीक है। तो मतलब कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 1 लाख भी, 5 लाख भी, 6 लाख भी, 10 लाख भी, कोई भी अमाउंट हो सकता है। और नीचे में एक उसमें व्हाट्सअप नंबर होता है जिसको आपको कहा जाता है कि ऐड कीजिए, इनसे बात कीजिए, हमारे CEO हैं, हमारे ये मैनेजर हैं, हमारे लॉटरी के डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, इस तरीके का लिखा हुआ रहता है। और आप अगर उससे कॉन्टैक्ट करते हो तो वो आपको वाकई में ये आश्वासन देता है कि आप जो है वाकई में जीत चुके हो और आपका नाम और डेटा तो उन लोगों के पास ऑलरेडी रहता है। आप सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो इस बात को, आपका नेम, आपका डेटा वगैरह ऑलरेडी उनके पास है, तभी उसने आपके पास ये भेजा है। तो वो वेरीफाई करने के लिए फिर से आपसे पूछेगा आपका नाम ये है, आपका मोबाइल नंबर ये है, इस तरीके से बातचीत होगी आप दोनों के बीच में और वो आपको फाइनली कहेगा कि हाँ सर मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप ये अमाउंट जीत चुके हैं। अब ये अमाउंट को जो है आपको पहुँचाने के लिए मुझे जो है कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह लेना पड़ेगा, सर्विस चार्जेस लेना होगा, ये चार्जेस, वो चार्जेस, इस तरीके के चार्जेस बता करके, टीडीएस चार्जेस भी बोला जाता है, बिकॉज टीडीएस चार्जेस जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। इस तरीके की लॉटरी अमाउंट अगर आप जीतते हो तो आपको जो है सरकार को एक टैक्स देना होता है जो कि TDS चार्जेस होता है। तो यहाँ पर जो है TDS टैक्स का नाम लेकर के भी आपसे वो पैसा लेगा, सर्विस टैक्स के नाम पर लेगा, मतलब हर एक तरीके से वो आपसे पैसा लेगा। अगर आपने एक बार पैसा देना चालू किया तो उसके बाद वो कंटिन्यूसली आपसे अलग अलग अमाउंट को लेता रहेगा।
दूसरा कंडीशन इन लोगों का है, ये आपके घर पर जो है एक लेटर वगैरह भेजते हैं और उसमें जो है ये लिखा हुआ रहता है, लेटर के साथ में स्क्रैच कार्ड भी भेज देते हैं और उसमें लिखा हुआ रहता है कि बम्पर धमाका आपने जो है ये 12 लाख की कार जीती है। ठीक है, अब आपको जो है उसमें एक नंबर दिया होता है, उसी तरीके से व्हाट्सअप पर उनको कॉन्टैक्ट करोगे तो वो लोग कहेंगे कि वाकई में आपने जो है कार जीत ली है। आपका लोकेशन ये लोग पूछ लेंगे कहाँ के हो आप, अगर आप बताओगे मान लो दिल्ली में हूँ मैं, और वो स्कैमर जो है आपको ये बोलेगा फ़ोन पर कि ठीक है हम मुंबई से हैं, हमारा हेड ऑफिस जो है मुंबई में और आपके लिए जो कार जाने वाली है वो ये मुंबई से ही जाने वाली है। अगर आप सेलेक्ट करते हो कार के लिए तो वो लोग जो है आपसे RC, आप लोगों को पता होगा कि RC बनता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है कोई भी कार का, कोई भी बाइक का, कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर कोई भी गाड़ी हो कोई भी व्हीकल हो उसका RC बनता है। तो ये RC आपके नाम पर बने इसलिए जो है आपको पहले इतने इतने चार्जेस देने होंगे, वो अमाउंट हो सकता है 10-20 हज़ार रुपये का। इसके बाद जैसे ही आप जो है इसको 10-20 हज़ार रुपये जो भी उसने बोला है RC बनाने के लिए, आपके नाम पर आपकी गाड़ी करने के लिए जो भी चार्जेस मांगा है, अगर आप वो पे कर देते हो तो जस्ट बात ये लोग कहेंगे कि आपके लिए घर के लिए जो है हमारी गाड़ी निकलने वाली है, आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस देना होगा, मुंबई से गाड़ी जाएगी आपके लिए। अगर आप इसको कहोगे कि हमारे आसपास में जो है शोरूम है वहाँ से दिला दीजिए तो वो मना करेंगे, बोलेंगे कि वहाँ बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, हमें जो है मुंबई में यहाँ हमारा जो है हब है यहां पे मैं सस्ता में पड़ता है गाड़ी, पता नहीं क्या क्या ये सब लपेट देते हैं, जो मन में आता है बक देते हैं। उसके बाद जो है ये आपको कहेंगे कि भाई मुंबई से जाएगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगेगा, ऐसे में जो है आप फिर से उसको ट्रांसपोर्ट चार्जेस ये समझ लोगे कि भाई सही बात कह रहा है बंदा, दूर से गाड़ी आएगी 10-12 हज़ार रुपए 15 हज़ार रुपए का पेट्रोल डीजल जो भी है वो तो पी लेगा, तो चलो भाई ठीक है वो भी अमाउंट आप दे दोगे उसको। तो कभी आपको ये लोग ये कहेंगे कि भाई टोल वाले ने जो है गाड़ी पकड़ ली है उसको छुड़ाने के लिए जो है, क्योंकि दूसरे जो है सिटी से आपके सिटी में आ रहा है तो टोल टैक्स नहीं भरने की वजह से जो कुछ है गाड़ी पकड़ लिया टोल टैक्स भरना पड़ेगा और इसका चालान लग गया है, चालान कट गया है, चालान देना पड़ेगा, मतलब जो मन में आएगा वो चीजें बोल बोल के आपसे पैसे तब तक लिया जाएगा जब तक कि आप पैसे देते हो। और अगर आप जो है यहां पर कार की जगह पर उसका अमाउंट चुनते हैं, मान लीजिए 12 लाख की गाड़ी थी तो मुझे 12 लाख रुपए दे दो, तो वो लोग कहते हैं कि भाई पहले आपको जो है प्रोसेसिंग चार्जेस देना होगा जो कि 4500-5000 रुपए का है, उसके बाद वो लोग जो है आपसे TDS चार्जेस मांगते हैं वापस से, बिकॉज ये बहुत फेमस है TDS चार्जेस, तो TDS चार्जेस मांगा जाता है आपसे। उसके बाद जो है कहा जाता है कि आपके अकाउंट में देखिए पैसा आया, अगर नहीं आया तो उसके बाद जो है फिर से कोई टैक्स मांगा जाएगा कि इस वजह से नहीं आ रहा है। और ये लोग जो है बहुत बार तो इस हद तक गिर जाते हैं कि आपके फ़ोन का एक्सेस भी ले लेते हैं। ये लोग जो है आपके फ़ोन में कहते हैं कि हमें जो है बस दिखा दीजिए आपके फ़ोन में मीशो आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है कि नहीं, बस हमें देखना है, हमें वेरीफाई करना है, और इस बहाने से वो लोग जो है आपके फ़ोन में क्विक सपोर्ट नाम का ऐप इंस्टॉल करवा देते हैं, एनी डेस्क भी क्विक सपोर्ट इस तरह कुछ ऐप्स होती हैं जो कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवा दी जाती है, और उसके बाद जो है उनके पास आपकी बैंकिंग डिटेल्स ये लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, बैंकिंग डिटेल्स आपका नाम आपका मोबाइल नंबर सब कुछ, वहां पर जो है लॉगिन करने लगेंगे वो नेट बैंकिंग या फिर UPI से जुड़ा हुआ कोई ऐप, और जैसे ही आपके फोन पर कोई मैसेज आएगा OTP गिरेगा तो उन लोगों को स्क्रीन जो है शेयरिंग हो रहा है तो ऑटोमेटिक वो लोग देख लेंगे OTP पट से डालेंगे, इतने में आपको समझोगे आपके साथ स्कैम ये लोग कर देंगे। ओवरऑल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक जो है यही जानकारी पहुंचाने आया था कि भाई इस तरीके के चक्कर में मत आना वरना लालच बहुत बुरी वाला है आपके साथ जो है बहुत सारे तरीके के स्कैम हो सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग ऐसे स्कैम के चक्कर में नहीं आएंगे, अगर ऑलरेडी स्कैम के चक्कर में आ चुके हो तो आपको जो है 3 काम करना है। पहला ये कि cybercrime.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन साइबर कंप्लेंट कर देना। दूसरा काम ये करना है कि legalsupport@meesho.com पर जो है मेल करना है जो भी आपके साथ स्कैम हुआ है। और तीसरा ये कि आपने जिस भी पेमेंट ऐप का यूज करके उन लोगों को पैसा सेंड किया है अपने उस पेमेंट ऐप के कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ऐसा कुछ मेरे साथ जो है फ्रॉड हो गया इस ट्रांजैक्शन में, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। अगर वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे तो भाई बल्ले बल्ले आपको पैसा वापस मिल जाएगा, अदरवाइज जो है आपको पैसा वापस नहीं मिल सकता है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी स्कैम हुआ है ना उसकी जानकारी को मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि उस पर ऐसा ही कोई एक अवेयरनेस वीडियो बना करके मैं और किसी की हेल्प कर सकूं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से चेक कर लीजिएगा। यहां इस चैनल पर हमेशा ही आपको अवेयरनेस से जुड़ा वीडियो देखने को मिलने वाला है, सो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।